जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। कहा जाता है कि जो एक बार खाटू श्याम बाबा की शरण में चला जाता है, जो एक बार खाटू जाकर उनके दर्शन कर लेता है, जो एक बार बाबा श्याम से नजरे मिला लेता है, वो श्याम का प्रेमी हो जाता है और उसका बार बार खाटू जाने का दिल करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्याम बाबा के दर पर जो खाटू नगरी में जो भी भक्त श्याम बाबा की चौखट पर एक बार जाता है और अपना सर रख देता है, उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती है। जो जिंदगी में हर जगह से हर तरफ से निराश हो जाता है, हार जाता है, जिसे लगता है कि अब उसका कोई सहारा नहीं बचा है, उसका कोई सहारा नहीं है, तब बाबा श्याम उसका सहारा बन जाते हैं। इसलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा के कई नाम हैं, उनमें से 11 नाम सबसे प्रसिद्ध हैं, सबसे ज़्यादा चमत्कारी हैं, और जो भी भक्त सच्चे मन से इन 11 नाम का जाप करता है, नियमित रूप से इन नामों को स्मरण करता है, इन नामों के जयकारे लगाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हो सकता है आपको इनकी जानकारी पहले से ही हो, तब भी आपको इसमें कुछ न कुछ तो नया देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इनके नामों का अर्थ और ये नाम क्यों हुए इनकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में बाबा श्याम के 11 चमत्कारी नाम के बारे में बताएंगे, जिनके नाम के जप और जयकारे लगाने मात्र से सभी भक्तों के बिगड़े हुए काम बनते हैं और साथ ही खाटू वाले बाबा श्याम की असीम कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही जानिए खाटू श्याम बाबा के इन 11 नामों का क्या अर्थ है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, तब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला नाम बर्बरिक। महाभारत काल में 5 पांडवों में बलशाली गदाधारी भीम का विवाह हिडिम्बा नाम की राक्षसी से हुआ था। तब भीम और हिडिम्बा से उनके एक पुत्र घटोत्कच हुआ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच ने नाग कन्या मोरवी से विवाह किया और फिर घटोत्कच और मोरवी की एक संतान बर्बरिक हुई। यही बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो श्याम बाबा का सबसे पहला नाम और जन्म का नाम वीर बर्बरिक है। दूसरा नाम मोरवी नंदन। बर्बरिक की माता का नाम मोरवी होने के कारण मोरवी नंदन कहलाए। यही कारण है कि हम सबके प्यारे श्याम बाबा को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। लोग बाबा श्याम के जयकारों में भी मोरवी नंदन की जय हो के जयकारे लगाते हैं। श्याम बाबा का तीसरा सबसे प्रसिद्ध नाम है तीन बाणधारी। महाभारत काल में वीर बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण की लीला अनुसार भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वीर बर्बरिक को वरदान रूप में 3 अमोघ बाण दिए। ये 3 बाण ऐसे थे जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीता जा सकता था, लेकिन एक वचन के कारण वीर बर्बरिक हारने वाले का साथ देने वाले थे। और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को जानते थे कि जब कौरव हारने लगेंगे तो वीर बर्बरिक कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे और इन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अजय वीर बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था, जिससे वीर बर्बरिक ने हंसते हंसते अपने ही हाथों से भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया था। इन्हीं अमोघ चमत्कारी बाण के कारण श्याम बाबा को तीन बाणधारी कहा जाता है। कहते हैं कि श्याम बाबा जैसा धनुधर ना तो दुनिया में पहले हुआ था और ना ही आज तक हुआ है। चौथा नाम शीश के दानी। महाभारत का युद्ध चल रहा था और वीर बर्बरिक इस युद्ध में जाना चाहते थे। तो जब वीर बर्बरिक अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि वो उस ओर लड़ेगा जिस ओर के योद्धा हार रहे होंगे, यानी जिसकी युद्ध में हार हो रही होगी, वे उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे।
अब भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे, वो जानते थे कि हार तो कौरवों की निश्चय है और यदि ऐसे में वीर बर्बरी कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो फिर उनके तीन बाणों का कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इन बाणों को रोक नहीं सकते। ऐसे में उन्होंने वीर बर्बरिक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। वीर और दानवीर बर्बरिक ने हंसते हुए अपना शीश उन्हें दान कर दिया और बाबा कलयुग में शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। पांचवा नाम श्याम बाबा का सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नाम है श्याम। जब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से उनका शीश दान में मांगा तब भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियों के शीश की आहुति देनी होती है और ऐसे वीर हम दो ही हैं, या तो मैं अपना बलिदान करूं या तुम बलिदान करो। तब वीर बर्बरिक ने अपना शीश काट कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। वीर बर्बरिक के इस प्रकार किए गए बलिदान से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर वीर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धा की उपाधि दे दी और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें उनके नाम श्याम नाम से पूजेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम के साथ साथ अपनी सारी शक्तियाँ भी प्रदान कर दी ताकि वो अपने भक्तों की रक्षा और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। छठा नाम कलयुग के अवतारी। भगवान श्री कृष्ण वीर बर्बरिक को अपने सबसे प्रिय नाम श्याम, जो उनकी माता ने दिया था, श्याम नाम बर्बरिक को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को श्याम नाम देने के साथ साथ उन्हें यह भी वरदान दिया कि वे कलयुग में घर घर में पूजे जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उनके भक्त बढ़ेंगे, इसलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आते हैं, अर्जी लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं, हाजिरी देते हैं और फाल्गुन में खाटू में भरी संख्या में लाखों लोग श्याम मेले में जाते हैं। सातवां नाम लीले का अस्वर। श्याम बाबा को लीले का अस्वर कहा जाता है। दरअसल वीर बर्बरिक के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग को लीला भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें लीले के अस्वर या नीले के अस्वर कहा जाता है। आठवां नाम लखदातार। श्याम बाबा को लखदातार इसलिए कहते हैं कि श्याम बाबा के दरबार में जब आप जाते हैं तो आपको अपने मन की बात कहने से पहले बाबा लख देता है, यानी कि श्याम बाबा भक्तों के मन की बात समझकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इन्हें लखदातार कहते हैं। नौवां नाम हारे का सहारा। खाटू में श्याम दरबार की चौखट पे जो एक बार अपना सर रख देता है उसकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाती हैं। जो हर तरफ से निराश हो जाता है, हार जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, बाबा श्याम उसका भी सहारा बन जाते हैं और इसलिए ही खाटू श्याम बाबा को हारे के सहारे के नाम से जाना जाता है। दसवां नाम खाटू नरेश। कलयुग में राजस्थान की खाटू नगरी में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था और श्याम बाबा कलयुग में खाटू के राजा हैं, इसलिए भक्त प्रेम से उन्हें खाटू नरेश भी कहते हैं। ग्यारहवां नाम मोर छड़ीधारी। श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंखी बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ीधारी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।